हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भीमानी और दोस्तों मेरे चैनल में मैं ऐसी ऐसी चीज़ें रिव्यू करता हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो और वही एक्सपीरियंसेस मैं आप तक शेयर करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ मेरा जो मोबाइल का व्लॉगिंग सेटअप है उसके बारे में, और क्या क्या आपको भी अगर आपको मोबाइल से व्लॉगिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो क्या क्या चीज़ आपने लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं पहले GoPro से व्लॉगिंग करता था, बट GoPro में बैटरी का बहुत इश्यूज है और उसका जो एक्सटर्नल उसको जो माइक है उसमें एक्सटर्नल माइक के लिए अलग से अडेप्टर लगता है। तो दोस्तों GoPro मैंने फिर छोड़ दिया। फिर मेरे पास Note 10 Plus मोबाइल है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मोबाइल से ही व्लॉगिंग करूँ। तो दोस्तों मोबाइल की जो व्लॉगिंग किट है, जो मेरी व्लॉगिंग किट है, उसमें तीन मेन कंपोनेंट होना चाहिए। एक्चुअली चार मेन कंपोनेंट, मोबाइल भी होना चाहिए। तो पहला जो है वो तो है एक अच्छा मोबाइल। ओके, आजकल के जो मोबाइल फोन्स रहते हैं वो काफ़ी डिसेंट है। मतलब आपको इनिशियली बोलते हैं ना, कोई बड़ा कैमरा या बड़े मोबाइल में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए नए यूट्यूबर हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपके पास जो मोबाइल है उसमें 1080p तो रहता ही है, उसके साथ स्टार्ट करिए। तो दोस्तों मेरे पास है Note 10 Plus, तो मैंने उसके साथ स्टार्ट किया। तो मोबाइल व्लॉगिंग किट में सबसे पहले आपके पास मोबाइल होना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्राईपॉड होना चाहिए आपके पास। दोस्तों मोबाइल जो है वो ऐसे पकड़ के करने में उतना मज़ा नहीं आता, और दूसरा क्या, उसको किधर आप रख भी नहीं सकते, तो ट्राईपॉड एक लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैंने ये जो ट्राईपॉड लिया है ये गोरिल्ला पॉड है एक्चुअली। दोस्तों मेरे पास ये पूरे सेटअप के साथ मैंने 6 से 8 महीना मैंने मेरे वीडियो रिकॉर्ड किए, और उसके बाद में DSLR में अपग्रेड हुआ, और DSLR के लिए मैंने जोबी का गोरिल्ला पॉड लिया। बट अगर आप मोबाइल से व्लॉग कर रहे हैं या मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको जो भी के गोरिल्ला पॉड की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 700 रुपये का अमेज़ॉन से गोरिल्ला पॉड लिया था, आप देख सकते हैं। ये स्लोविक ब्रांड का है और ये काफ़ी अच्छा है, प्रीटी डिसेंट है। ये देखिए गोरिल्ला पॉड में क्यों बोलता हूँ आपको, क्योंकि आप किधर भी लगा सकते हैं। देखिए ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे करके आप ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग व्लॉगिंग कर सकते हैं, या इसको पूरा का पूरा आप ऐसे करके पूरा का पूरा आप इसको नीचे रख सकते हैं। तो ट्राईपॉड जो है उसको आप सीधा ही रख सकते हैं, बट ये जो गोरिल्ला पॉड है इसको आप कैसे भी रख सकते हैं, किधर भी रख सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक गोरिल्ला पॉड लीजिए। जो भी का अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, 6000 का गोरिल्ला पॉड आता है और ये खाली 700 रुपये का आता है, तो इससे आप स्टार्ट करिए। तो पहला मैंने आपको बताया मोबाइल, दूसरा मैं आपको बोल रहा हूँ गोरिल्ला पॉड, तीसरा मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक मोबाइल होल्डर। दोस्तों मेरे पास जो मोबाइल होल्डर है वो उलानजी का, आप देख सकते हैं। दोस्तों मेरे पास जो मोबाइल होल्डर है वो उलानजी का ST01 है। ये करीब करीब 1500 रुपये का मोबाइल होल्डर है। इसकी जो खास बातें मैं आपको बता दूं, पहले तो जो रेगुलर मोबाइल होल्डर आते हैं वो ऐसा खींचने वाले रहते हैं, और ये जो खींचने वाले मोबाइल होल्डर रहते हैं वो आपका जो ये मोबाइल के ये दो पोर्शंस रहते हैं ना, इसके ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपका मोबाइल बड़ा हो, अभी ये मेरा बहुत बड़ा मोबाइल है, तो मेरे पास वो जो खींचने वाला मोबाइल होल्डर था वो बहुत ही इस पर प्रेशर आता था। तो मैंने फिर ये नेट पर सर्च किया और मैंने ये उलानजी का ST01 लिया। ये 1600 रुपये का है, बट ये एब्सोल्युटली वर्थ है। आप जब मोबाइल होल्डर लेते हैं दोस्तों, उसमें आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखना है कि इसमें एक हॉर्स शू माउंट होना चाहिए, क्योंकि जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको एक्सटर्नल माइक या एक्सटर्नल लाइट लगानी हो तो इसके लिए ये हॉर्स शू माउंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो उलानजी का जो ST01 है, इसकी खासियत ये है कि ये ऐसे खींचता नहीं है, ये ऐसे खुलता है और ये ऐसे बंद होता है। तो आपको जितना प्रेशर लगाना है उतना प्रेशर लगा के आप इसको छोड़ दीजिए,
और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये मेटालिक है, ये देखिए मेटालिक है, चीप प्लास्टिक भी नहीं है। और इसको आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पे कुशंस दिए हुए हैं, पैडिंग बहुत ही स्ट्रांग है, तो आपके मोबाइल को कोई हार्म नहीं रहेगा। दोस्तों आप 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 के मोबाइल लेते हैं और उसके बाद फिर ये होल्डर अगर उसको डैमेज कर देता है तो वो एक अच्छा बार्गेन नहीं है। तो दोस्तों तीसरा मैंने आपको बताया मोबाइल होल्डर, और चौथा मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है एक एक्सटर्नल माइक। दोस्तों मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियोस थे उसमें वीडियो क्वालिटी तो बहुत अच्छी आ रही थी, बट मैं सिंस आउटडोर में रिकॉर्ड करता हूँ तो एक्सटर्नल नॉइज़ बहुत आ जाता था, और कभी एम्बुलेंस का नॉइज़ आता था, कभी बारिश का नॉइज़ आता था, कभी कोई कुत्ता भौंक रहा है उसका नॉइज़ आ जाता था। और उसके कारण क्या है, मेरा जो कंटेंट ये है वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड आता था। और मोबाइल का बेसिकली जो माइक रहता है एक्सटर्नल माइक, वो दूर से खींचने के लिए का नहीं रहता है, आप मोबाइल पे बात करते हैं तो ये डिस्टेंस के लिए वो अच्छा रहता है। तो और मोबाइल का जो माइक है वो कैमरा और व्लॉगिंग के लिए नहीं है, तो माइक तो लेना आपको बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास जो मोबाइल का माइक है, मेरे पास जो माइक है वो है बोया का MM1 शॉटगन माइक। दोस्तों माइक में भी दो टाइप के रहते हैं, एक ये इधर लगाने वाला माइक रहता है और एक शॉटगन माइक रहता है जो इसके ऊपर लगता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मेरे पास कौन सा माइक है। तो दोस्तों अभी मैं ये जो वीडियो क्लिक कर रहा हूँ ये बिना माइक के कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको माइक बताना, और आप खुद ही डिफरेंस देख पाएंगे कि पहले माइक के साथ ऑडियो क्वालिटी कैसी होती है और अभी माइक के बिना मैं आपको कर रहा हूँ, और वापस फिर माइक लगाऊंगा ये माइक की डिस्क्रिप्शन देने के बाद। तो दोस्तों बोया की जो MM1 माइक है ये शॉटगन माइक है, ये माइक बहुत ही अच्छी है, ये हार्डली 1600 रुपये की है, और इसके ऊपर ये ऐसे देखिए ये माउंट ऐसे बैठ जाती है, ये ऐसे बैठ जाती है, और इसको जो 3.5 mm जैक दिया हुआ है उसको आप आपके मोबाइल में रख सकते हैं। आजकल दोस्तों 3.5 mm जैक के मोबाइल बंद हो गए, या तो USB-C वाले मिलते हैं या तो फिर आपको आईफोन रहेंगे तो वो आईफोन वाला रहता है, तो इसके लिए आपको एक अलग से कनेक्टर मिलता है। तो दोस्तों ये चार चीज़ मैंने आपको बताया, एक मोबाइल, एक ट्राईपॉड, एक मोबाइल होल्डर विथ हॉर्सशू माउंट और एक एक्सटर्नल माइक। तो चलिए इसको असेंबल करके हम आपको बताते हैं कि एक ब्लॉगिंग सेटअप कैसा होता है। तो ये जो ट्राईपॉड है इसके ऊपर मैं ये ऐसा, इसको स्क्रू रहता है तो इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। दोस्तों आप जब कोई ट्राईपॉड लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये बॉल पॉइंट वाला ट्राईपॉड हो, क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगर सिंगल ट्राईपॉड रहेगा तो आपको एडजस्ट होना पड़ेगा, जो इतनी अच्छी बात नहीं है। ये हो गया, इसके ऊपर देखिए मैंने मेरा नोट 10 प्लस है वो डाल रहा हूँ मैं, तो ये देखिए ये बैठ नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा और लूज़ करता हूँ और इसको मैंने बिठा दिया, देखिए कैसे मस्त बैठा है, इसको मैंने थोड़ा हल्का सा टाइट कर दिया और ये हो गया। और लास्ट जो है वो है ये बैठ गया माइक। तो दोस्तों ये हो गया है मेरा, ये मेरे पास कनेक्टर है एक्चुअली अंदर है, इसको आप टाइप सी का कनेक्टर करके इधर लगा सकते। तो ये हो गया दोस्तों मेरा मोबाइल व्लॉगिंग सेटअप, ये देखिए पूरा का पूरा, इसको दोस्तों मैं टाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया मेरा पूरा मोबाइल व्लॉगिंग सेटअप, इसको मैं ऐसे मोबाइल लॉक कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं वापस माइक लगा लेता हूँ और आगे बात करते हैं, आप डिफरेंस भी देखिए बिना माइक और विथ माइक का। दोस्तों पहले मैंने माइक को ज़रूरी नहीं समझा था, बट बिकॉज़ मेरा जो ऑडियो क्वालिटी इतना बेकार था तो मैंने फिर एक माइक में इन्वेस्ट किया। तो चलिए माइक लगाते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने माइक लगा दिया एक्सटर्नल माइक, आप डिफरेंस तो समझ ही पा रहे रहेंगे। दोस्तों मैंने अभी मोबाइल ब्लॉगिंग से अपग्रेड किया है टू DSLR ब्लॉगिंग, क्योंकि जस्ट मेरे कुछ दिन 15-20 दिन पहले 1,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुए, तो
और फिर मैंने सोचा कि मैं मेरे व्यूअर्स को एक बेटर क्वालिटी कंटेंट देना चाहिए, तो मैंने पूरा का पूरा मेरा सेटअप जो है वो अपग्रेड कर दिया है। मैंने एक DSLR लिया, जोबी का गोरिल्ला पॉड लिया, माइक मैंने वही रखा। बट आप अगर इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हैं या आपका इतना एक्सटेंसिवली काम नहीं है, तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा डील है। इसमें मैं आपको वापस बता दूं कि ये जो गोरिल्ला पॉड है ये सिर्फ 700 रुपये का है, ये जो उलानजी का जो ST01 है ये 1500 रुपये का है, तो हो गया आपका 2200, और जो एक्सटर्नल माइक है ये 1600 रुपये का है, तो करीब करीब आपका हो गया 3800 रुपीज़ में आपका पूरा ब्लॉगिंग सेटअप हो जाता है। मोबाइल में गिन नहीं रहा हूँ क्योंकि मोबाइल ऑलरेडी अपने पास रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको बताया कि मोबाइल ब्लॉगिंग सेटअप में क्या क्या होना चाहिए। अभी मैं जो आपको बात कर रहा हूँ वो विथ माइक कर रहा हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।